कैसे हैं आप? आज हम आपको डबल नॉट स्टिच सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर अपना कपड़ा छोटा है तो उसके अंदर दूसरा कपड़ा अपन किस तरह से लगाकर फ्रेम लगा सकते हैं। फिर आप उसमें कपड़ा ज्वाइन कर सकते हैं और फिर उसको फ्रेम में लगाकर आप उसको टाइट करके अपनी स्टिच चालू कर सकते हैं। बात करने से पहले हम आपको बताएंगे कि डबल नॉट स्टिच बनती कैसे है। इस तरह सुई निकाल के सुई को ऐसे आड़ी निकालना, फिर ये धागे के नीचे से सुई निकालना और ये यहाँ से फिर इस सुई को दोनों के बीच में से निकाल के इसको खींचना। ये डबल नॉट स्टिच इस तरह सुई निकालना, इस धागे के नीचे से डालना, ये दोनों के बीच में से निकालना। अपन ने ये पूरी लाइन बनाई, इसी तरह ये स्टिच को अपन सिंगल भी बना सकते हैं। अगर अपने को कहीं सिंगल बनाना है तो अपन इसको सिंगल बना सकते हैं। बनाना उसी तरह से है। इस तरीके से इसको इसमें डबल नॉट स्टिच स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी में इसको मोती स्टिच भी बोलते हैं।
ये पत्तियाँ हमने दूसरे कलर से बनाई हैं, ये भी डबल नॉट स्टिच से है, इसमें आप चाहें तो और भी दूसरे कलर डाल सकते हैं। और ये जो इसके अंदर ये डाली है, जो यहाँ सिंगल डबल नॉट बताया है ये है, और लगे तो आप इसके अंदर रनिंग स्टिच भी भर के उसको और अच्छे से बना सकते हैं। इसमें आप अगर स्टेम स्टिच करना चाहें तो स्टेम स्टिच कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डबल नॉट स्टिच करके बताएंगे।